दोस्तों, कई बार इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन उससे मंजिल नहीं मिल रही होती है। तब लगता है कि यार सब कुछ छोड़ दूं, कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब यह स्टोरी हमेशा याद रखना। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके जन्म लेते ही उसके माँ बाप रोने लगते हैं कि यह बच्चा इस दुनिया में कैसे रह पाएगा, क्योंकि इसके ना हाथ है और ना ही पैर। यह सच्ची कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके हाथ और पैर एक मछली की तरह बहुत छोटे हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप अपना नजरिया सही रखें। एक जरूरी बात यह है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। जब उस बच्चे का उपचार हुआ तो पता चला कि उस बच्चे का जन्म टेट्रा अमूल्य सिंड्रोम नामक दुर्लभ विकार के साथ में हुआ है, जिसमें हाथ और पैर की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को बहुत दुख हुआ और इस बारे में उनके माता पिता से बात की। जब उस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने बताया तो उसके माता पिता रोने लगे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना हाथ पैर के कैसे रहेगा। तो उस बच्चे के माता पिता ने बहुत सोच समझकर डॉक्टर से यूथनेशिया के बारे में बोला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना हाथ पैर के इस दुनिया में रहना उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, यूथनेशिया का मतलब किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से मृत्यु देना। इसमें डॉक्टर्स की मदद से उसके जीवन का अंत किया जाता है ताकि उसे दर्द से छुटकारा दिलाया जा सके। यूथनेशिया की बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे का दोबारा से चेकअप किया और एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो बच्चे के माता पिता ने फिर से यूथनेशिया के बारे में बोला, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि जो बच्चा शरीर से भले कमजोर है लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत पावरफुल है और हम इसे यूथनेशिया नहीं दे सकते। इसके बाद उस बच्चे को लेकर वह माता पिता अपने घर जाते हैं और उस बच्चे की अच्छी से देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें उस बच्चे को लेकर बहुत दया आती थी और सोचते थे कि हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और जब उस बच्चे को पता चलती है कि उसके माता पिता ने उसके लिए यूथनेशिया की मांग की थी तो उसे बहुत दुख हुआ। उस बच्चे ने अब निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अब मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं होने दूंगा और इन्हें इस दुख से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। जब कोई इंसान अपने कंडीशंस और अपने हालात से लड़ने की ठान लेते हैं उसी वक्त से उस इंसान की लाइफ में परिवर्तन आने लग जाते हैं, और ऐसा कुछ हुआ उस बच्चे के साथ में। उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है और उसने एक करके दिखाया। आज वह बच्चा पूरी दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ पैर ना होने के कारण उसके लिए यूथनेशिया की मांग की गई थी, आज वही बच्चा पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करता है। जी हाँ दोस्तों, उस सफल व्यक्ति का नाम है निकोलस जेम्स बुजकिक। इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद भी निक बुजकिक ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो जाहिर सी बात है, दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस खुद को पहचानने की देर है। आज निक एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ अच्छे स्विमर भी हैं। निक का यूट्यूब चैनल है जिससे करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। जाहिर सी बात है, बिना हाथ पैर के भी एक इंसान अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय करता है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, बस हमें हमारी खासियत को पहचानना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा एक बार नहीं है जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया है और अपनी जिंदगी को बदला है। ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने हौसलों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। दुनिया आप पर विश्वास करे उससे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कई बार हमें लगता है कि हमें भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, हमारी जिंदगी बेकार है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब ये सोचना चाहिए कि कई लोगों को तो उतना भी नहीं मिला है जितना हमें मिला है। हमारी एक समस्या है कि हमें भगवान से शिकायत रहती है, जबकि हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए हर उस चीज का जो उन्होंने हमें दी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वह आंखें तक नहीं है जो भगवान ने हमें दी है। कई लोगों के पास तो मेहनत करने के लिए हाथ पैर तक नहीं है जो कि भगवान ने हमें दिए हैं। आज के इस दौर में ऐसे कई देश हैं जहाँ पानी और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए भगवान ने जो हमें दिया है, और जो हमारे पास में नहीं है उससे पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल का पार्ट नहीं बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियोस आप मिस ना कर सकें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।